फ्रेंड्स, नीट के लिए वो बच्चे हुए हैं 15 दिन। 15 दिन के टाइम पीरियड में आपको कैसे रिवीजन करना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेरीज थी, मैं बताऊंगा। और वन शॉट वीडियोस, इस तरह की वीडियोस जो आते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी कि क्या सर वन शॉट वीडियोस में जो रिवाइज करा रहे हैं एडुकेटर, वो प्रेफर करें, मीन्स उससे रिवीजन करें वो बेटर रहेगा, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि मैं वन शॉट वीडियोस को क्रिटिसाइज़ करूँगा, मेरा केवल यही मकसद रहेगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊँ। क्योंकि यहाँ पे मैटर नहीं करता कि कौन क्रिटिसाइज़ हो रहा है, कौन क्रिटिसाइज नहीं हो रहा है, आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे ये मैटर करता है, कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है। दोस्तों, फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, वन शॉट वीडियो से अगर आप रिवीजन करते हैं, दैट मींस कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ कैंडिडेट्स इससे एग्री नहीं हो रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर रहा हूँ। वन शॉट वीडियोस में जो रिवीजन होता है उसमें बेसिक सा फार्मूला एडुकेटर आपको बताते हैं, ये इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला है, ये यहाँ पे है, ऐसे वैसे वैसे पूरा ही बताते रहते हैं। आपको लगता है हाँ ठीक है, ये ऐसा है ऐसा है, हमें तो आ रहा है, ठीक है, ये वाला फार्मूला ऐसा है ऐसा है, मीन्स चीज़ें चलती रहती हैं, वो आपको रिमाइंड होती चली आती हैं। ठीक है, मानता हूँ कि चीज़ें जा रही हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारा रिविज़न हो रहा है, एक्चुअल में रिविज़न नहीं होता है। जब चीज़ें आती रहती हैं तो आपको उस समय लगता है कि आपका रिवाइज़ हो रहा है, लेकिन एक दिन बाद अगर आप देखेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी आपको, क्योंकि वो तरीका बेस्ट नहीं है। इस 15 दिन के अंदर तो इस तरह के वीडियोस बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि जो अच्छा स्कोर कैंडिडेट्स लाएंगे या लाना चाह रहे हैं, या जिनका टारगेट बहुत अच्छा है, टारगेट है, वो इस समय इस तरह के वीडियोज़ को प्रेफर ही नहीं कर रहा है। वन शॉट, टू शॉट, थ्री शॉट, ये सीरीज़ ये अब टाइम नहीं रह गया है। इस तरह के वीडियोस को आप प्रेफर नहीं करें अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो, क्योंकि ये तुरंत आप भूल जाएंगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इस समय आपका फोकस होगा जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, अगर आपने अंडरलाइन किया हुआ टेक्स्ट बुक में तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए उसको पढ़ें, खुद से पढ़ें, सेल्फ डिपेंडेंट हो। जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगे नंबर कभी नहीं आएंगे। अब ये सोचोगे कि कोई घुट्टी आपको पिला देगा, चलते मतलब कोई वीडियो बना रहा है, आप सुनते रहे, सुनते रहे, भैया कान में लीड लगा लिया और नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बुरी बात लग रही होगी आपको, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा उससे। वन शॉट वाला वो पढ़ा के चला जाएगा, फार्मूला आपको बताता चला जाएगा, ये है ये है ये है ये है, वो आपको तुरंत तो याद रहेगा, आप लिख भी लेंगे लेकिन आपको वो परमानेंटली याद नहीं रहेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्योंकि जब तक अपनी खुद की चीज़, अपने खुद के नोट्स से या अपनी खुद की बुक से आप नहीं पढ़ेंगे बार बार चीज़ों को, तो आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको लगेगा वन शॉट वीडियो में कि हाँ यार ठीक है, ये आ रहा है, थोड़ा आगे बढ़ा दो चैनल, मीन्स वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाओ, अच्छा ये वाला फॉर्मूला ये तो हमको आता है, आगे बढ़ाओ, ऐसे आप रिवाइज़ करेंगे। और उसमें भी आपको कोई अच्छी चीज़ें नहीं बताई जाती, उसमें वही चीज़ें बताई जाती हैं वन शॉट वीडियोज़ में जो आपको आती रहती हैं, मीन्स जैसे जनरल फार्मूला बता दिया, जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, छोटा मोटा और कॉन्सेप्ट बता दिया, वहाँ पे उस तरह की रिवीजन नहीं हो पाता है। मैं पहले बता रहा हूँ, रिवीजन आपको कहना है तो वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप, बुक से, नोट से, या जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका मटेरियल है उससे पढ़िए। और वीडियो इस समय देखना बंद कर दीजिए, खासकर स्टडी के लिए, स्टडी के लिए वीडियोस प्रेफर मत करिए। क्योंकि 2-3 वीडियोस अगर आप प्रेफर करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्ज़ाम में आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि वीडियोस में, ठीक है, वीडियो जब चलता रहेगा तो आपको लगेगा हाँ ये हमको आ रहा है, हमारा रिवाइज़ हो रहा है, लेकिन वो आप उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप खुद से पढ़ेंगे नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी एक राय है जो मैं मानता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपका टारगेट अच्छा स्कोर है, 600, 650, 720 तक, तो कृपा करके खुद पे डिपेंडेंट हो, खुद के नोट से पढ़ो, खुद के मटेरियल से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो।
वो सेल्फ स्टडी का तरीका नहीं है। वन शॉट वीडियो वो तो फर्जी उसमें बताते थे, वो आपको चीज़ें आती रहती हैं। वन शॉट में जो भी बताया जाता है वो आपको आता रहता है। ऐसे वीडियोज़ के चक्कर में मत पड़ो, केवल और केवल अपनी सेल्फ स्टडी हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप सोचते हो कि पूरी एनसीईआरटी कोई बोल दे आप उसको सुनते रहेंगे, नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा। मीन्स आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते, आपको चीज़ें लगेंगे हाँ सारा सुन रहे हैं, हमको याद हो रहा है, लेकिन रिवाइज नहीं होता है, वो याद नहीं होता। कान में लीड लगाने से याद नहीं होता है, दिमाग में नहीं जाता, जब तक कि चीज़ों को आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ेंगे। क्या होता है वीडियोज़ में, हम लोग आधा ध्यान तो वीडियो में रहता है, आधा ध्यान शक्ल में रहता है, आधा ध्यान वो क्या लिख रहा है, आधा ध्यान वो क्या बात कर रहा है, इसमें चला जाता है। कुछ लोग तो एडुकेटर हैं जो कहते हैं कि ये वाला फॉर्मूले आप बता दो या इस क्वेश्चन का आंसर बता दो तो हम गाना गाएंगे, मतलब ऐसा भी चलता है, तो फिर गाना ही गाओ, फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठता वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि अभी फ़िलहाल ये गलती बिल्कुल मत करना, अगर गलती कर दी तो फिर पछताना पड़ेगा, 101% पछताना पड़ेगा। वन शॉट, टू शॉट, थ्री शॉट कोई चक्कर नहीं है, इस समय 15 दिन के अंदर कुछ भी नहीं करना। अपने नोट्स, अपनी बुक, अपने मटेरियल को केवल पढ़ो, केवल अपनी प्रैक्टिस करो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपनी टेस्ट सीरीज लगाओ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलेगी। अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी क्वेश्चन सॉल्व करो। अब किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिपेंड होते हैं इस समय भी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप दे नहीं पाएंगे, केवल मेरली वीडियो को देख के, आप कि वीडियो को देख लिया और रिवाइज हो गया, हमारा नहीं होता है, नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। दैट्स ऑल।